बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 82.70 82.80 82.80 स्टॉक का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल, जिसका सिंबल है इरकॉन, IRCON। इरकॉन के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, कल का परसों का हाई जस्ट अभी स्टॉक ब्रेक कर रहा है, स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। या वैसे भी ये स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है, एक अच्छा खासा तेजी दिखाने के बाद लास्ट 10 से 15 दिनों के अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है, 7 डेज मूव दिखाया है और अब लग रहा है कि यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। इरकॉन के अंदर खरीदारी करें, जिन्होंने पोजीशंस बना रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 78 के पास है, 78-79 78 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। यहां से ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट इसका ऊपर में बनेगा 88 रुपए का, 88 रुपीज का। दूसरा टारगेट इसके अंदर ऊपर में जो देखने को मिल सकता है वो 92 रुपए का देखने को मिल सकता है। इरकॉन में खरीदारी करें 78 के स्टॉप लॉस से, 88 का पहला टारगेट, 92 का दूसरा टारगेट। सारे रेलवे स्टॉक्स आज आपको वापस मोमेंटम में दिख रहे हैं, इनफैक्ट कल भी सेकंड हाफ में हमने देखा था रेलवे स्टॉक्स आ गए थे, रेल स्टेट चल रहे हैं। DLF 480 है, अभी कुणाल जी राकेश जी ने खरीदारी की राय दी, दोनों ही रेलवे और दोनों मूव कर रहे हैं और अच्छे हमारे दो फेवरेट सेक्टर है, बिल्कुल जबरदस्त मूव है।